मैं तो ये सोचती हूँ कि मायावती आनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि मोदी आया तब से तो कुछ सब खराबी हो रहा, गड़बड़ी। राम जी को लाने की उसकी औकात है मोदी की? ये बताओ, जो भगवान 2000 साल पहले आ चुका, मोदी लेकर आएगा क्या? बहन जी स्ट्रांग हुई है इस बार? हाँ, स्ट्रांग हुई है और आएंगी। मायावती जी भी हैं रेस में? 100% है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये बताए क्यों नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इस समय तमाम जो बहुत भिक्षु लोग हैं उनके साथ मौजूद हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल रूप से ये सब क्या सोचते हैं, आज हम इनकी राय जानेंगे। क्या लगता है 2024 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, 2024 में कौन होना चाहिए सरकार, किसकी बननी चाहिए? मुझको तो ये लगता है कि ऐसे व्यक्ति सरकार बननी चाहिए जो सर्व हितैषी हो, और वो सर्व हितैषी कौन हो सकता है वो आप खुद चुनकर बता सकते, जान सकते हो, उसको हम ही क्यों बोलें। मोदी जी में मतलब क्या दिक्कत है? नहीं, मोदी जी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, पर ये कि अब रोजगार नहीं है लोगों के पास, लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, मोदी जी ने रोजगार नहीं दिए लोगों को, इसीलिए तो आज रोजगार की बात उठ रही है। कह रहे हैं कांग्रेस ने तो लूट लिया 70 सालों से। नहीं, लूट तो देखिए ऐसा है कि अब बहुत लोग आए, सब अपने अपने तरफ से लूटते। अभी तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो ये दिल्ली के लिए जो हम सब सारी जनता इनकम टैक्स देती, आज ही उन्होंने बोला है वो कितने करोड़, 200 करोड़ रुपये इनकम टैक्स जाता है सिर्फ दिल्ली से, और हमको मिलता है 325 करोड़ रुपये। आपको नहीं लगता मोदी जी ने देश एकदम बदल दिया पूरा? बदल तो देश तो अब क्या बदल दिया है, जो है जो देश है, जो कुछ बदला, जो उनके अच्छे काम है वो उनकी अच्छी तारीफ है मोदी जी की। आप बताइए, उन्होंने मोदी जी के जो अच्छे काम है, सरकारी तंत्र था, अच्छे काम है, देखिए किसी के भी अगर अच्छे काम है तो कुछ वो भी है, हर एक आदमी में कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। नहीं नहीं, मोदी जी एकदम परफेक्ट है। आप नहीं, आप कह रहे हैं ना परफेक्ट है, बताइए। हाँ, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं परफेक्ट है, लोग कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है, राम मंदिर बना दिया, आप कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, राम मंदिर बना दिया तो राम मंदिर बना दिया, तो जो लोग कह रहे हैं तो फिर राम मंदिर के नाम पे वोट दे दें उनको। 10 सालों का शासन हुआ, एक तरफ ब्लैक पेपर आया, दूसरी तरफ व्हाइट पेपर आया, मोदी जी ने फिर से कहा राष्ट्रवाद फैला दिया, तो अब राष्ट्रवाद फैल रहा है देश में, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, राष्ट्रवाद तो क्या फैला दिया, राष्ट्रवाद तो कुछ नहीं फैल रहा, क्या राष्ट्रवाद फैल रहा है, लोग अपने अपने धम में कायम है, राष्ट्रवाद क्या फैल रहा है, राष्ट्रवाद पहले भी था हमारे यहाँ, हिंदू एकजुट हुआ, हिंदू एकजुट हुआ। नहीं, हिंदू हिंदू की आप बात क्यों करते हैं? हाँ। आप भारतीय भारती की बात करें ना। मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, हिंदू की बात नहीं, हिंदू तो हिंदू तो राजनीति का नाम है। हिंदू हम हैं, हम हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। देखो ये भी तो सुनिए सर, ये भी तो कहा जाता है जैन बौद्ध मुस्लिम ईसाई सिख, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीतियों के नाम, ये लेबल है। हम सबसे पहले एक तो मानव, राहुल गांधी भी तो मंदिर जाते हैं, मैं ये तो कह रहा हूं। तो सब जाते हैं, राहुल गांधी क्या, मंदिर जाना तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है मंदिर जाना, या लेकिन लोग कह रहे हैं राहुल गांधी चुनावी रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल। आप राहुल जी को मोदी जी से ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं? कोई स्ट्रांग कुछ नहीं है, जो अच्छा काम करता है हम उसको मानते हैं, बस जो भी हो, हम स्ट्रांग मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मोदी अच्छा काम क्या होता है, जब लोगों को आप रोजगार दोगे, महंगाई कम करोगे, अच्छे काम वो होते हैं। कितने रोजगार दिए गए, कितने रोजगार दिए? मानव 2 करोड़ है, 2 करोड़ का है, कुछ प्राइवेट होने जा रहा है सर। मंदिर के नाम पे अगर कोई वोट दे दे तो वो भी नहीं होता, अगर दे दे नहीं, अगर दे दे नहीं, सच्चाई आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो मंदिर के नाम पे ही मिलेगा उनको वोट, क्या तो मिली तो रहा है, तो मिल रहा है, तो अब जो लोग दे 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 दे, हम तो मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे। लोग तो एकजुट हो गए, तो हो जाने दीजिए। कहा मंदिर के नाम पे वोट तो मिलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। एकजुट दिख रहे हैं भैया, एकजुट दिख रहे हैं आप, वोट तो मिलना चाहिए किसी को, आप एकजुट दिख रही है, बहने लोग एकजुट है। मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा मोदी जी को? नहीं, मंदिर के नाम पे क्यों मिले, मंदिर के नाम पे वोट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्यों, मंदिर तो वो मंदिर तो हर जगह ही है ना, मंदिर मंदिर से मंदिर ये बताइए आप, हमें रोजगार चाहिए, मैं पढ़ा लिखा। आप गए मंदिर में कभी? भाई साहब मुझे 4 साल पहले मंदिर जाता, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता लगा ना भगवानों के लिए, उस दिन से मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया है। राम जी को लाए हैं तो राम जी को जो लाए, राम जी जो उसी को लाएंगे ना, राम जी को लाने वाला एक छोटा टुच मिशन टुच प्राणी ले आता है। अरुण गोविल जी का आप यूट्यूब देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, जिनको इनविटेशन दे के बुलाया यूट्यूब में, नहीं नहीं सुनिए उनका वीडियो आप देखिए, उन्होंने ये कहा है कि मेरा सपना तो पूरा हो गया पर मुझे दर्शन नहीं हुए। जब उनको इनविटेशन दे करके दर्शन नहीं हुए तो एक आम आदमी को कैसे वहाँ दर्शन हो जाएंगे, इतनी भीड़ वहाँ चल रही है। आप कोई किसी भी तीर्थ में चले जाइए, आराम से आप दर्शन कर सकते हैं।
अरे बहुत सारी ट्रेनें, जैसे अमिताभ बच्चन ने दर्शन किए हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी ने किए हैं, क्या वैसे आम आदमी मंदिर में दर्शन कर सकता है? अगर आपको दर्शन करने का मौका मोदी जी दे दे, हिंदू है? नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं पहली बार जो लग रहा है इंडियन हूँ, ये कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। हाँ हिंदू नहीं हूँ मैं, इंडियन हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक गौतम नाम है, भारतीय। पहली बार विवेक जी नाम से तो जाहिर है कि आप तो जब कॉलम आ मेरे नाम में चमक रहा है हिंदू। हटाना है ना, हाँ। जाति लेवल को ना तो हटाना इंसान को जाति, हाँ जाति ने बिल्कुल बांटा। चेहरा है कोई? चेहरे तो बहुत है, बताइए सभी को पता है। बताइए चेहरा सर, वो पढ़े लिखे आप भी अंबिया सबको पता है कौन सा चेहरा। कैमरे पे बता दीजिए ना, सब जान जाएंगे। कैमरे में क्या बताना, जो पता हमें पता है सबको नहीं पता। सबको पता है, सब पढ़े लिखे, चेहरा तो बताइए। सब खाते हैं, ज्ञान सब में, कोई चेहरा सब में ही है। मोदी जी के सामने मुझे मोदी जी और राहुल में मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो भारत को उन्नति देगा, जो प्रोग्रेस करेगा भारत के लिए, चाहे वो मोदी करे, चाहे मायावती करे, चाहे राहुल जी करे, चाहे मुलायम करे, सब बराबर है। मायावती जी भी हैं रेस में? है 100% है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये बताइए, क्यों नहीं है? दो नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है बहन जी, क्यों नहीं है ये बताइए मुझे। तो कहा जा रहा है अब तो वो उतनी एक्टिव नहीं है ना? कौन नहीं एक्टिव है? घर से नहीं निकलती हैं, घर से बीजेपी की बी टीम बनी सर, है। तो कहां जा रहा, आरोप लगाया जा रहा। सुनो मोदी जी तो एरोप्लेन में घूमते हैं, मोदी जी ने करा क्या है? पूरा हमारा जो हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सारा तो उसने बर्बाद कर दिया। क्या बहन जी पे जो आरोप लग रहा है उन्हें क्या कहेंगे? आरोप बेबुनियाद है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या लगता है बहन जी स्ट्रांग हुई है इस बार? स्ट्रांग हुई है और आएंगी, होंगी और आएंगी। मतलब मोदी के सामने बहन जी चेहरा है? हाँ चेहरा है, बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा। 24 का इलेक्शन ही बड़ा चेहरा आपने कहा? 2024 का इलेक्शन ही मोदी बनाम मायावती। संघर्ष कौन करता है? संघर्ष एक मिनट से थोड़ा नीचे, संघर्ष करता है पढ़ा लिखा बंदा, ठीक है। और अब आज की डेट में हम है ना पढ़े लिखे हो गए, जागरूक हो गए, तो मोदी जी को डर लग रहा है इस बार सीट भी नहीं बचेगी उनकी। ये भी भाई साहब भंती जी भी कह रहे हैं इस बार राहुल आएगा। राहुल मायावती जी को उन्होंने बोला ही नहीं, आपने बोला था ना राहुल? नहीं हमने कहा मौका देना चाहिए इस बार, मौका देना चाहिए। तो मौका भाई उन्होंने राहुल जी को दिया, हम मौका उन्हें दे रहे हैं जो भारत की उन्नति करेगा, जो रोजगार लाएगा, जो राम को लाए हैं। राहुल को देना चाहते हैं इस बार की एक मौका, तो कम से कम उसको दो अब एक मौका, कम से कम राहुल को मिले। अरे सर जो राम को लाए, नीरव मोदी को क्यों नहीं लाए, माल्या को क्यों नहीं लाए, काला धन क्यों नहीं लाए, विकास क्यों नहीं लाए? राम जी को लाने की उसकी औकात है मोदी की? ये बताओ, जो भगवान 2000 साल पहले आ चुका मोदी लेकर आएगा क्या? टेंट से शानदार मंदिर बनाया, उसमें सर मंदिर का क्या करेगा? जो अंधा, जो अभी वो अंधा था ना, लूट है, लूट का मंदिर है ये, मंदिर नहीं है ये, एक इलेक्शन की परिभाषा है। मंदिर पे वोट पड़ेगा कि नहीं 24 में ये बताइए? मैं नहीं पड़ेगा, कोई मंदिर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल लूट का नाम है और ये लूट नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। मोदी जी के सामने चेहरा कौन? कोई भी हो सकता है। कौन? बहुत है विपक्ष में तो, बहुत है, कोई भी हो सकता है। कोई तो बताइए आपके सामने, सोचने लग गए। यही कह रही है बीजेपी, चेहरा लाइए। चेहरा राहुल गांधी है, हो सकते हैं, मायावती जी हैं, हो सकते हैं सब। हाँ? आप बताइए आप क्या सोचती हैं? मैं तो यही सोचती हूँ कि मायावती आनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि मोदी आया है तब से तो कुछ सब खराब ही हो रहा, गड़बड़ी हो रहा है। हाँ, अच्छा, खराब हो गया, आप लोग आंखें नहीं खोल रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं हुआ है। हाँ। हम लोग लिए तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। हाँ। अब इन्होंने जो है मंदिर बनाया है, सिर्फ धंधा है अपना, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है उनका, और कुछ नहीं है जी। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी ने 10 सालों में देश को एकदम बदल दिया है। क्या बदला आप बताओ, कुछ भी तो हमें तो दिखता नहीं, कुछ बदला है अपना ही, मतलब पैसे कमाने का जरिया बनाया है उन्होंने अभी तक। जो आम इंसान है, जो पब्लिक है, जिनको जरूरत है, उनको तो कुछ नहीं किया उन्होंने। जो गवर्नमेंट जॉब थी वो भी उन्होंने प्राइवेट कर दी है। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये तो बढ़िया काम किया है, जो भी माल बिटोरा है वो अंबानी और अडानी के। हाँ, बिटोरा परिवार ही नहीं, देश को परिवार मान लिया। अरे बिल्कुल नहीं, सब लूट है, सब लूट है। अपना बिजनेस है उनका, बिजनेस है। अरे देश के लिए सो नहीं रहे, खपा दिया पूरा जीवन। जो उनके जो पंडित लोग हैं उन्हीं के लिए हो रहा है सब कुछ, हम जो आम लोग हैं, हम जैसे पब्लिक हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। तो मायावती जी इस बार आ रही हैं? जी बिल्कुल आएंगी, वो तो हर बार ये होता है, पर यही है सपोर्ट नहीं मिलता उनको किसी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई कह रहा है मायावती जी है, कोई कह रहा है राहुल जी है। कह रहे हैं कि एक बार राहुल जी को, मायावती जी को मौका मिलना चाहिए,
देखते हैं क्या होता है। हम लगातार ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।